YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे वैसे शेयर जो की 200 डे मूविंग एवरेज से काफी नीचे चल रहे हैं, वैसे शेयर जो कि काफी सस्ते प्राइस पे आपको उपलब्ध है। साथ ही साथ ये ब्लू चिप कंपनियां हैं, जो भी स्टॉक्स बताएंगे वो सारे के सारे ब्लू चिप शेयर्स होंगे। देखिए अभी जो है आपको ऐसे ही बेहतरीन वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियों में इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन जो है कोई भी निश्चित नहीं है। अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होती है तो भी ब्लू चिप शेयर जो है काफी लिमिटेड रेंज में गिरता है, जबकि आप कोई मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में अभी बाय करते हैं तो वो 50% तक क्रैश हो सकते हैं, 60% क्रैश हो सकते हैं, तो समझ जाइए वहां कितना ह्यूज लॉस होगा आपके कैपिटल का। लेकिन ये जो होता है ये 10% 20% मैक्सिमम लिमिटेड गिरावट होगा। और वैसे में भी जो शेयर काफी ज्यादा गिरे हुए हैं, वो जो शेयर पहले से ही काफी करेक्ट है, उसमें भी गिरावट तो काफी ज्यादा आपको लिमिटेड मिलेगा। तो ऐसे ही बेहतरीन ब्लू चिप वेल एस्टेब्लिश और जो मार्केट की लीडर कंपनी है उसके साथ अभी आपको रहना चाहिए। देखिए क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है, वोलेटिलिटी के साथ साथ मार्केट का डायरेक्शन जो है वो निश्चित नहीं है। अब देखिए निफ्टी में जैसा कि मैंने पिछले दिन बात किया था, यहाँ की शुरुआत में यहाँ पर गिरावट होगा क्योंकि डाउ जोन्स में ग्लोबल मार्केट थोड़ा वीक था, यहाँ वीकनेस के साथ मार्केट ओपन हुआ, लेकिन देखिए फिर काफी ज्यादा ऊपर गया, फिर गिरावट आया, तो कहीं ना कहीं हम पिछले दिन का जो क्लोजिंग था उसके नीचे क्लोज हुए, लेकिन वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने मिला और ये वोलेटिलिटी अभी बरकरार रहेगा। अभी जो गिरावट है और फिर ऊपर चढ़ना है मार्केट का वो कम नहीं होने वाला है, इसीलिए अभी जो आपको है वो थोड़ा सा ब्लू चिप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, छोटे मोटे शेयर को बाय करना चाहिए, ऐसे शेयर को गिरावट में बाय करना है। इसमें सबसे पहला है HDFC लाइफ, काफी बेहतरीन काफी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर और इंश्योरेंस सेक्टर की काफी जबरदस्त शेयर है। और देखिए 775 रुपये का यह हाई है और वहां से काफी ज्यादा यहाँ पर ये नीचे आ चुका है। देखिए 555 रुपये का पर ये स्टॉक्स यहाँ पर नीचे आया था, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बाउंस बैक किया, फिर से गिरावट, तो अभी आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं, काफी सस्ते प्राइस पे ये शेयर अभी मिल रहा है। फिर जो अगला शेयर है वो है हेवेल्स। देखिये हेवेल्स भी काफी बेहतरीन शेयर है, ये भी शेयर काफी सस्ते प्राइस पे मिल रहा है और देखिये ये भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। अगर यहाँ पर गिरावट होता है, अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक्स काफी ज्यादा नीचे आएगा, तो ऐसे ही गिरावट में आपको ये स्टॉक्स भी बाय करना है। देखिए यहाँ पर गिरावट जो होगा वो काफी मतलब 200-300 पॉइंट का भी हो सकता है, तो उस गिरावट में आपको ये स्टॉक्स भी बाय करना है। फिर उसके बाद है HDFC। HDFC भी काफी जबरदस्त स्टॉक्स है, HDFC ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक है, हाउसिंग सेक्टर की काफी जबरदस्त कंपनी, और यहाँ पर ये गिरावट होता है तो फिर आपको यहाँ पर ये जो सपोर्ट है इसको अगर ब्रेक करता है, सपोर्ट है 2285 रुपये का, उसको ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर इसमें जो है अच्छी खासी गिरावट उम्मीद कर सकते हैं। और देखिए गिरावट जो है अभी जो ये ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स भी मार्केट में गिरावट के साथ नीचे आ सकता है, तो किसी भी डिप पे आप इस स्टॉक्स को बाय करके चल सकते हैं। लेकिन याद रहे यहाँ पर जो स्टॉक्स बाय करना है ये आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग, मतलब हमें एक सस्ते प्राइस पर जो अच्छे कंपनियां है उसको बाय करना है, तो अभी आपको इन सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो आपको यहां पर गिरावट में बाय करके चलनी चाहिए। अब देखिए अगला जो स्टॉक्स है हिंदुस्तान यूनिलीवर, हाई लगाने के बाद ये स्टॉक्स देखिए काफी नीचे आया था, यहाँ पर देखिए 2200 रुपये तक ये स्टॉक्स पहुंच चुका था, तो अभी ये 2294 रुपये पे पहुंच गया है, यहां से फिर से करेक्शन आता है तो निश्चित है अपने सपोर्ट तक आएगा, और ये भी देखिए 200 मूविंग एवरेज के काफी नीचे चल रहा है, तो इस स्टॉक्स को भी आपको गिरावट में बाय करना है। तो देखिए ये सारे स्टॉक्स काफी सस्ते हो गए हैं, गिरावट होता है तो और काफी सस्ते प्राइस पे ये आपको मिलेंगे। फिर अगला है ब्रिटेनिया, देखिये ब्रिटेनिया भी काफी जबरदस्त स्टॉक्स है, आप यहाँ पर बात करें 42 रुपये इसका ऑल टाइम हाई है, वही ये स्टॉक्स भी 200 डे मूविंग एवरेज से काफी नीचे चल रहा है, ये अपना सपोर्ट ब्रेक करता है जो कि है 3390 रुपया, तो फिर इसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, तो उस गिरावट में आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। फिर है अगला मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस भी काफी जबरदस्त स्टॉक्स है और मुथूट फाइनेंस को भी आप बाय कर सकते हैं किसी भी गिरावट में, मतलब किसी भी डिप में, क्योंकि ये स्टॉक्स भी काफी सस्ता हो चुका है और गिरावट होता है तो हमें और बाय करना है, क्योंकि अब जो इस स्टॉक्स का डाउन साइड है वो लिमिटेड है, लेकिन अप साइड क्या है, अनलिमिटेड है। अप साइड अपने ऑल टाइम हाई को कभी ब्रेक किया जो कि 1700 रुपये के ऊपर है, तो काफी ऊपर तक जा सकता है।
देखिए डाउन साइड जो पोटेंशियल इस स्टॉक का वो काफी लिमिटेड, अपसाइड पोटेंशियल अनडिफाइंड है। उसके बाद अगला जो स्टॉक है वो है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट काफी बेहतरीन स्टॉक्स, ये भी स्टॉक देखिए 200 मूविंग एवरेज के काफी नीचे चल रहा है। इस स्टॉक्स में भी अगर गिरावट होती है, अपना सपोर्ट ब्रेक करता है, तो आप इस स्टॉक्स को काफी नीचे के प्राइस पर बाय कर सकते हैं। ये भी स्टॉक काफी जबरदस्त है और काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक भी उपलब्ध है, तो किसी भी डिप पे आप भी इस स्टॉक्स को बाय करके चल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स जानना चाहते हैं, जो स्टॉक्स अभी स्ट्रॉन्ग है, जो स्टॉक्स टेक्निकल चार्ट पे बिक है लेकिन फंडामेंटली काफी सॉलिड्स हैं, तो इस तरह के स्टॉक्स हम आपको बताते रहते हैं। हम दोनों स्टॉक्स बताते हैं जो कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और जो स्टॉक्स अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिस स्टॉक में मार्केट में तेजी के साथ काफी अच्छा तेजी आ सकता है, दोनों तरह के स्टॉक्स आपको हम बताते हुए चलते हैं। तो जो स्टॉक्स आपको अच्छा लगे अपना रिसर्च भी कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और लगातार अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी हेल्प होता है, अगर आपको थोड़ी सी भी सहायता मिल रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।